ट्वेल्थ वाले। अब यहाँ पर है राम को बेचा, क्या राम को बेचा, अब राम को हो गया पाने वाला, राम को बेचा, प्रश्न अपने आप पर बना, सोल्ड टू राम, तो कौन बेचा, हम बेचे, कौन बेचा, हम बेचे, अब हम बेचे तो किसको बेचे, राम, तो राम कौन हो गया पाने वाला, पाने वालों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, पाने वाला डेबिट, तो जब पाने वाला हो गया तो दूसरा पक्ष क्या होगा, देने वाला, देने वाला क्रेडिट होगा, तो दे कौन रहा, कोई नहीं, हम दे रहे, तो अपना खाता में स्वयं का नाम नहीं लिखा जाता, स्वयं का खाता में अपना नाम नहीं, खुद का नाम नहीं लिख सकते, स्वयं का खाता में स्वयं का नाम नहीं लिख सकते, यानी अपना खाता में अपना नाम नहीं लिख सकते, तो हम जो क्रिया की क्या की, बेचे, यहाँ पर क्या बेचे, कुछ भी नहीं, क्या बेचे, कुछ भी नहीं, यानी वस्तु का नाम होना, जैसे कि मान लो हम बेचे मशीन बेचते तो मशीन का नाम होता, यहाँ पर मशीन का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ सोल्ड है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, एंट्री क्या होगा, पाने वाला राम है, तो यहाँ पर राम्स अकाउंट लिखे और राम्स डेबिट हो, राम्स क्या होगा, डेबिट हो, क्रेडिट में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पहला रूप लिख देंगे सेल्स, और नरेशन में शुरुआती तौर पर नरेशन में ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी जो प्रश्न हो उस प्रश्न को यहाँ लिख देंगे सोल्ड टू राम, और जो अमाउंट है यहाँ पर दिया हुआ वो अमाउंट दे, किसको बेच रहे हैं, मोहन को, लेकिन नगद, यानी जब हम नगद बेच रहे हैं तो पैसा तो आ गया है मेरे पास, जब हम वस्तु को बेचे तो कैश हमारा आने वाला, यानी 25,000 ये आएगा, तो आने वाले को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो अब इसमें दूसरा पक्ष क्या ढूंढना, जाने वाला है, याद रखेंगे जब प्रश्न में फोर कैश आ जाए तो मोहन का कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पर सोल्ड कर दे, क्या कर रहे, बेच रहे, याद रखना है जब बेचने वाला सामान का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो वस्तु के स्थान पर सेल्स ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे, यानी यही होगा हमारा क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर डेबिट में क्या हो गया, कैश अकाउंट अब टू नरेशन में वही प्रश्न लिख देंगे सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, अगर सिर्फ मोहन फॉर कैश लिख मोहन लिख कर छोड़ देंगे यहाँ पर ये उधार वस्तु बेचा गया माना जाए, लेकिन जब हम फॉर कैश लगा दिए वस्तु नगद बेचा गया है ना, वस्तु नगद बेचा गया, हम अगला प्रश्न देंगे सोल्ड मशीन सोल्ड मशीन टू मोहन 30,000, अब यहां पर मोहन को मशीन बेच रहे हैं तो मोहन कौन हो गया,
पाने वाले। मोहन पैसा दिया नहीं दिया, फोन पैसा देता था फोन कैसे लगा हुआ होता, लेकिन यहाँ पर फोन कैसा है नहीं। तो सोल्ड मशीन टू मोहन, मोहन कौन हो गया पाने वाला। अब क्या बेच रहे तुम्हारे पास से क्या गया, मशीन। मशीन क्या है, जाने वाला, और जाने वाले को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, और ये हो गया पाने वाला तो ये हो जाएगा क्या डेबिट होगा। तो अब यहाँ पर देखो जाने वाला वस्तु का नाम यानी सेल्स के स्थान पर अब क्या लिख देंगे मशीन लिख देंगे, तो यहाँ पर पान कैश के स्थान पर क्या हो जाएगा कैश के स्थान पर मोहन हो जाएगा। पहले ही हम बता चुके हैं पाने वाला डेबिट होता है, आने वाला डेबिट होता है ना, लाभ हानि और मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस है ना, क्या हो जाएगा लॉस और एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर आने वाला मोहन है, यहाँ पर मोहन हो जाएगा मोहन अकाउंट, मोहन से अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नरेशन में फिर उसी तरह से बी सोल्ड मशीन टू मोहन, और यहाँ पर इस तरह से।